इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एक टर्म मेंशन किया गया है रेसिंग ट्रैक, और डेटा को मैं एनालाइज करूँ तो जनरली क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना जनरली बच्चे इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते, तो आप इसको पहले समझिए और इसमें देखो कि इसमें क्या ट्रिक है, कहाँ पे लॉजिक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले रेसिंग ट्रैक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट द रोड, सो हियर IRC यू कैनॉट अडॉप्ट, राइट? इट इज रेसिंग ट्रैक विथ अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस, द रेडियस वैल्यू इज गिवन एज 360 meters, and the speed v is given as 350 km/h. Coefficient of friction small f is mentioned as 0.75. then calculate the angle of banking required to provide. क्या इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि ये हमने सुपर एलिवेशन लगाया है, बैंकिंग और सुपर एलिवेशन एक ही बात है, सो आप देखो कि ये है आउटर एज, दिस इज आउटर एज एंड दिस वन इज इनर एज, सो ये वाली एंगल थीटा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, नीडफुल प्रोवाइड जब करेंगे तो उस केस में आप खुद बता दो कि अगर आपको ये थीटा वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा वैल्यू निकालने के लिए हमें बेसिकली सुपर एलिवेशन दैट इज टैन थीटा ई निकालना पड़ेगा। लेकिन इस डेटा को देखिए आप, और इस डेटा के देखते के साथ एक जनरल एक कॉमन अप्रोच ये होता है कि बच्चे करते क्या कि डायरेक्टली, अच्छा आर दिया है, वी दिया है, एफ दिया है, तो फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली यहां से निकाल लेंगे, सो ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, जो कि करना बिल्कुल गलत है। यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहां पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रिलेशन डिराइव्ड है IRC के हिसाब से और IRC इंडियन रोड के हिसाब से। तो कुछ पैरामीटर ऐसे भी होते हैं जो रोड में वैलिड हैं लेकिन यहाँ रेसिंग ट्रैक पे वैलिड नहीं होंगे, वो क्या है, कुछ कुछ पैरामीटर्स डेटा देख के ही समझ में आ जाना चाहिए आपको। सबसे पहला आप स्पीड की वैल्यू देखो, 350 कभी भी पॉसिबल नहीं है इंडियन रोड पे, 350 km/h, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेटरल डायरेक्शन में 0.75, आपको मालूम होना चाहिए कि लेटरल डायरेक्शन में हम लोग जब भी फ्रिक्शन की बात करते हैं दैट इज टेकन ओनली 0.15। सो ये सब एक्सट्रीम दिया हुआ क्योंकि रेसिंग ट्रैक की बात हो रही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो ये समझना है व्हाट नॉट टू डू, नाउ विल डिस्कस व्हाट टू डू। सो उसके लिए आपको डेरिवेशन करने की जरूरत है, सो लेट स्टार्ट विद द डेरिवेशन इन केस ऑफ द रेसिंग ट्रैक। एक्चुअली ट्रेंड हो गया आजकल कि आजकल गेट में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें जो नॉर्मल रिलेशन होते हैं, जो अजम्पशन होता है थ्योरी का, वो अजम्पशन को चेंज करते हैं, पूरा रिलेशन बदल जाता है और उस तरीके से कॉन्सेप्ट को इंसर्ट करके सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप पास ट्रेंड देखोगे गेट के RES के, ऐसे कॉन्सेप्ट से बने हुए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसी चीज़ को फॉलो करता हुआ, उसी चीज़ को अडॉप्ट करता हुआ हमने इस क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स पर फ्रेम किए हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में एंड कॉन्सेप्ट के पीछे जो लॉजिक है उसको समझने में। मैं डेरिवेशन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखेंगे ये एक रेसिंग ट्रैक है जिसका क्रॉस सेक्शन व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो This one is a racing track. आपको चाहिए क्या, इस racing track की ये वाली थीटा वैल्यू चाहिए, हमें फाइनली थीटा वैल्यू चाहिए। तो उस पर एक कार को पहले मैं मूव कराता हूँ। मान लेते हैं कि ये racing track है और ये racing track चूँकि क्रॉस सेक्शन व्यू है, दिस आई कैन अंडरस्टैंड टायर ए एंड टायर बी, ये कुछ ऐसा है केस। Of course, this one is outer edge, this one is inner edge, and here this is theta, and this point is the point of CG. So let's start with the value of force. So here this is the centrifugal force P, and this side it is W. मैंने आपको पहले ही बोला है कि normal relation applied नहीं होगा, लेकिन डेरिवेशन मोर और लेस वैसा ही होता है जैसे नॉर्मली आप जानते हो, पिछले केस में भी हमने ऐसा कुछ कुछ डिस्कस किया था। यहाँ भी इसी का कंटिन्यूएशन करते हुए कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स जो डिस्कस कर रहे हैं। सो अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि व्हाट इज़ द वैल्यू, देन यू कैन ईजिली गेट कि इसकी कंपोनेंट आ जाएगी यहाँ पे, दिस वैल्यू वी आर गेटिंग दिस साइड एज ये थीटा है, तो उसके हिसाब से दिस इज पी कॉस थीटा, ये डब्ल्यू है, so this we can write this is W sin theta। ये यहाँ पे एक normal reaction भी लग जाएगी और normal reaction जो यहाँ पे लगेगी, इस normal reaction की value P का भी component, W का भी component, जिसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि this normal reaction is equal to P sin theta
प्लस W cos थीटा। आप यहां से समझ सकते हैं, आप देखिए यहां पे P sin थीटा एंड W cos थीटा इज द वैल्यू ऑफ N, जिसके कारण यहां पे एक फ्रिक्शन भी आएगी इस साइड, फ्रिक्शन क्योंकि व्हीकल बाहर के साइड में स्किड हो सकती है। सो अब अगर यहां पे फोर्स को बैलेंस करूं इंक्लाइंड लाइन पे, बैलेंसिंग फोर्स ऑन इंक्लाइंड लाइन, देन आई कैन राइट P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस F फॉर स्टेबिलिटी, एंड आई कैन राइट फोर्स बैलेंस अलोंग स्लोप। स्लोप के अलोंग अगर मैं फोर्स बैलेंस करूं तो मैं उस चीज को यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस कैपिटल F फ्रिक्शन फोर्स। अब इसी को सिंप्लीफाई करते जाते हैं, कुछ कंक्लूजन पे आएंगे फिर। P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू N। लेट मी रिमाइंड यू, इसकी वैल्यू मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, सो उस चीज को अडॉप्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अभी भी लिखा था, सो दैट वी कैन राइट P sin थीटा प्लस W cos थीटा। ये है सिचुएशन। सो इसको और रिजॉल्व करते हैं, और देखो हर एक टर्म में साइन कॉस आ रहा है तो हम लोग टेन में कन्वर्ट करते हैं, दोनों साइड में कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगी P इज इक्वल टू W tan थीटा प्लस एफ पी टेन थीटा एंड प्लस एफ डब्ल्यू कॉस थीटा, तो वन हो गई। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको समझ लेना चाहिए कि भाई जहाँ जहाँ हमने टेन थीटा लिखा है वहाँ वहाँ E, इसी को तो बोलते हैं सुपर एलिवेशन। सो नाउ वी कैन राइट, यहाँ से रिलेट करेंगे, वी विल टेक P कॉमन, तो ये हो जाएगी वन माइनस, इधर से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगी वन माइनस ई एफ इज इक्वल टू, इस साइड से W कॉमन ले लें तो ये हो जाएगी E प्लस F, तो ये हो जाएगी P कॉमन लिया वन माइनस ई एफ इज इक्वल टू W E प्लस F, और ये रिलेशन बन जाएगी अब यहाँ से, दिस आई कैन राइट इम्पैक्ट फैक्टर, इसी को सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं, जो कि रेशियो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन W की, और ये रिलेट होकर के बन जाएगी E प्लस F डिवाइडेड बाई वन माइनस ई एफ। अब मैं यहीं रुकता हूँ और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि नॉर्मली जब सुपरलेवेशन का आप डेरिवेशन करते हैं ना तब भी ये वाला स्टेप आपको मिलता है, लेकिन अब इसके बाद क्या करते हैं कि वन माइनस ई एफ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, वन माइनस ई एफ को रोड के केस में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि E की वैल्यू इज वेरी लेस इन केस ऑफ द रोड एंड F वैल्यू इज ऑल्सो वेरी लेस, सो E into F becomes very very less as compared to 1, then 1 minus EF is simply taken as 1 in case of the road. Let me show you the calculation also. Like if you talk about the plane terrain, तो plane terrain में जो super elevation की value maximum ली जाती है वो होती है 7%, और point ये F की value होती है 0.15, तो आप देख लो 0.7 into 0.15 it becomes, this is 0.07 into 0.15 it becomes 0.010. it is very very less as compared to 1, so we can neglect this particular parameter. अगर आप mountainous steep terrain की बात करें तो उसके इसमें 10% होती है, तो हम लोग लिखेंगे 0.1 into 0.15, so this becomes 0.015, again it is very very less as compared to 1, so design वाले केस में 1 minus EF को neglect कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ road design, supervision design वाले केसेस में। अब बात करते हैं कि racing track में speciality क्या है, the value of F is given very high as 0.75, if you remember given in the question, F itself is 0.75. And super elevation racing track mein it is very high, it is not like 10% or 7%, it is very high. So agar yahan se dekhen to aap ye batao, E into F since both are high it is not negligible as compared to 1, to hum log 1 minus EF ko neglect nahi kar payenge, we will have to take this particular parameter 1 minus EF into consideration, that is the trick here. Ab baat karte hain, isko resolve karenge, तो I की वैल्यू निकालें तो P की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल टू ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई वन माइनस ई एफ।
यहां से रिलेट करें तो आप इसको रिजॉल्व करके ऐसा लिख सकते हो, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई वन माइनस ई एफ। फाइनली हमें चाहिए क्या, ई की वैल्यू भी चाहिए ताकि हम लोग थीटा निकाल सकें। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो यहां पे इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा आते हैं इसकी वैल्यू पे। तो स्पीड दी हुई थी 350, सो आई कैन राइट 5/18, आप इसको 0.278 लेके भी चल सकते थे, इनटू 350 किलोमीटर पर आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय दिस इज 360 इज द रेडियस इन मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 9.81, यूनिट कन्वर्जन कर दिया और उसके हिसाब से सॉल्व किया, इज इक्वल टू ई प्लस एफ की वैल्यू है 0.75, दिस इज 0.75 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस इट इज 0.75 इनटू ई। अब एक ही अननोन पैरामीटर है, ठीक है, दैट इज ई। सो अगर हम लोग ई को सॉल्व कर लें तो ये जो वैल्यू आ जाएगी सो दिस इज दिस, हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लो। सो द वैल्यू ऑफ ई फाइनली वी आर गेटिंग एज दिस इज 0.64, दो डिजिट में ही कंसिडर कर लेते हैं 0.64। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू 0.64 आ रही है। तो इसका अब यहां पे देखें एंगल ऑफ सुपरलिविशन अगर निकालें तो दिस आई कैन राइट टैन इनवर्स 0.64, सो दिस आई कैन राइट टैन इनवर्स 0.64 दिस इज 32.62 डिग्री इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सुपरलिविशन रेसिंग ट्रैक के लिए बनाएंगे तो उस रेसिंग ट्रैक में जो थीटा की वैल्यू होगी, ये वाली थीटा की वैल्यू, दिस हैज टू बी 32.62 डिग्री। सो आप देख सकते हो अगर आप परसेंटेज ऑफ सुपरलिविशन भी यहाँ पे विजुअलाइज करें डेटा वाइज तो आपको समझ में आना चाहिए कि सुपरलिविशन की वैल्यू यहाँ पे 64% है, कहाँ रोड में 10%, ठीक है, वो भी हिली पे, प्लेन में तो 7% है। सुपर एलिवेशन इस केस में जो है 64, तो वहाँ पे हम लोग 1 ef को नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे, वो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से सीखा, ठीक है। ऐसे इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए कुछ और भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो एक ट्रेंड सा बन गया अभी कि जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, नॉर्मल थ्योरी होती है, उसके अंदर जा करके उसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स में, अजम्पशन में, फार्मूले में चेंजेस कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के थ्रू आपको ये आइडिया लगता है। दिस इज ऑल अबाउट द सुपर एलिवेशन कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब मैं चलता हूँ इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रांजिशन कर्व।